बच्चों, हम इससे पहले जो है जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरपोलेशन का, तो इससे पहले हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो बैकवर्ड वाला था वो हमने प्रूफ किया था, क्वेश्चन नहीं किए थे उसके ऊपर। तो क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे जो है। लेकिन बच्चों तुम्हें यदि समझ में आता है तो लाइक कर दे करो और बता दे करो मुझे जो है कमेंट करके कि हाँ भी हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो प्रॉब्लम बता दीजिए, वो प्रॉब्लम क्या है व्हाट्सअप कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, और जब व्हाट्सअप करोगे तुम उसे तो वो प्रॉब्लम मेरे पास में आ जाएगी, मैं उसे किसी दूसरी वीडियो में उसका सोल्यूशन लिख दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड वाले पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं एक बार इस फॉर्मूले को रिवाइज कर देता हूँ कि हमने बताया क्या था। देखिए ये फॉर्मूला था, हमने इसको प्रूफ किया था, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू ये, एफ ए प्लस एन एच यू आएगा, बैकवर्ड आएगा, एफ ए प्लस एन एच आएगा, फिर यू यू प्लस वन आएगा फैक्टोरियल टू, और बैकवर्ड का स्क्वायर, और एफ ए प्लस एन एच, ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। बस इसमें उसमें फॉरवर्ड में इतना ही अंतर होता है, उसमें यहाँ भी यू आता है लेकिन यहाँ फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है सारी वो फर्स्ट आर्गूमेंट पे होती है, फर्स्ट वाले पर, और यहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी लास्ट आर्गूमेंट पर। ठीक है, वहां मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी एक बार तुम उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। इसमें मैंने ये बताया था यू इतना होता है, ए क्या है फर्स्ट आर्गूमेंट होता है, ए प्लस एन एच लास्ट आर्गूमेंट होता है, एच होता है इंटरवल। अब एक क्वेश्चन लेंगे उससे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच लिखा हुआ है, तो मैं इसे वाई में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच। मैं ज्यादातर इन फॉर्मूला को वाई में लिखता हूँ, तुम ऐप में लिख लीजिए वो मर्जी है तुम्हारी, वो तो लिखना है कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, इंटरवल तुम्हें पता है 1 1 का है, फर्स्ट आर्गुमेंट वो जो है 1 है, और लास्ट आर्गुमेंट वो जो है एच है, मैंने लिख भी दिया है, ए की वैल्यू 1 है और लास्ट आर्गुमेंट 8 है, 8 लिख दिया, इंटरवल हमारा यहाँ पर साफ दिया हुआ है 1 1 का इंटरवल है। जो एक्स की वैल्यू है वो 7.5 है, क्योंकि उसने पूछा है कि भाई इस डेटा को देखकर 7.5 पर वाई की वैल्यू निकालो या फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 7.5 लास्ट के नजदीक है लेकिन अंदर की ओर है, तो हम जो यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं, जो भी मतलब लगा रहे हैं, न्यूटन का बैकवर्ड वाला फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट के नजदीक है लेकिन अंदर की ओर है, तो कर तो रहे इंटरपोलेशन है हम, एक्सट्रपोलेशन नहीं इंटरपोलेशन, क्योंकि रेंज के अंदर काम कर रहे हैं हम सारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैकवर्ड लगाएंगे, कहा नहीं है बैकवर्ड लगाइए, लेकिन मैंने कहा था तो क्वेश्चन को फॉरवर्ड से कर दीजिए, बैकवर्ड से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बस एरर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए तुमने यहाँ फॉरवर्ड से कर लिया थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वरना ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, तो हमने ये ए पहचान लिया, एक्स पहचान लिया, ए प्लस एन एच यू निकाल लिया, अब यू का मतलब एक्स है, एक्स की वैल्यू 7.5 है, लास्ट आर्गुमेंट 8 है, यहाँ माइनस कर लिया, इंटरवल 1 था, सोल्व करा, इतनी वैल्यू आ गई। बस अब तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला में भर दीजिए, लेकिन पहले टेबल देखिए एक मिनट के लिए। देखो सारी एक्स की वैल्यू ये लिख ली, फंक्शन की वैल्यू ये लिख ली, टेबल वैसे ही बनती है जैसा फॉरवर्ड की होती है वही बैकवर्ड की होती है। ठीक है, बस नोटेशन चेंज होते हैं। देखो घटाया ऐसा ही है, इसमें से ये नीचे से ऊपर को घटाना, ध्यान रखना, इसमें से ये तो 7, इसमें से ये तो 19, इसमें से ये 37, मतलब टेबल वैसे ही बनाइए जैसा तुमने फॉरवर्ड बनाई थी। अगर टेबल बनाने नहीं आती है तो पहला चैप्टर था फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, वो सॉरी हाँ डिफरेंस वाला, तो उसके अंदर जाकर टेबल मैंने बताई है बाकायदा, वहां जाकर जाकर देख लीजिए। ठीक, तो नीचे से ऊपर को ही माइनस करना है, तो ये तो फंक्शनल कॉलम में होता है, ये हमारा फर्स्ट फोर बैकवर्ड का कॉलम है, ये हमारा सेकंड बैकवर्ड का है, ये थर्ड का। पर ध्यान रखना जब हम न्यूटन का फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऊपर वाली चीजें ये यूज की जाती हैं, और ये जो वैल्यू होती हैं ये हमेशा फर्स्ट आर्गूमेंट पर होती हैं। ये वाई की वैल्यू है लेकिन 1 पर, ये वाली वाई की टेल बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड में होती है डेल वाई वन की वैल्यू, ये होती है डेल स्क्वायर वाई वन की वैल्यू, ये होती है डेल क्यूब वाई वन की वैल्यू। बताया तुम्हें मैंने, इसे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, लेकिन हमें फॉरवर्ड यूज नहीं करना, हमें बैकवर्ड यूज करना, तो बैकवर्ड नीचे की तरफ का ये जो एलिमेंट है जो मैंने ये बॉक्स में बनाया है ये यूज होंगे। देखिए लास्ट आर्गुमेंट 8 है, तो ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये वाई की वैल्यू होगी क्योंकि ये कॉलम फंक्शन का है, तो वाई 8 की वैल्यू होती है ये। अरे दिखा दे जा, 8 पर वाई की वैल्यू 512 है, तो वाई 8 की वैल्यू तो हुई। ये होता है हमारा फर्स्ट बैकवर्ड, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट पे होता है वाई 8 पर, ये वाला होता है हमारा सेकंड बैकवर्ड लेकिन वाई 8 पर ही होता है।
और ये हमारा थर्ड बैकवर्ड होता है, लेकिन फर्स्ट वो लास्ट आर्गुमेंट पे होते हैं, ये होते हैं लास्ट आर्गुमेंट पर। जब ऊपर से करते हैं तो भी फर्स्ट आर्गुमेंट पाते हैं। फॉरवर्ड में ऊपर वाले यूज होते हैं, बैकवर्ड में नीचे वाले। टेबल का तरीका बिल्कुल सेम है बस, ठीक है। आप फॉर्मूले पर जाइए, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये रहा मैंने वही लिखा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। बस इसमें जो ऊपर वैल्यू होती है सॉरी भर दीजिए, ये सॉरी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ अपने आप ही जब ये वैल्यू भरोगे, चेक कर लो, ए प्लस एन एच का मतलब लास्ट आर्गुमेंट वो कितना था, एट था, ये रहा एट। फिर यू की वैल्यू कितनी थी, 0.5 थी माइनस की, और एच की वैल्यू कितनी थी, वो थी तुम्हारी 1 की। तो 8 माइनस के मैं करके दिखाऊं क्या, कर लोगे वो इतना तो यहां पर ये वैल्यू वाई 7.5 हो जाएगी। यहां पर ए प्लस एन एच का मतलब 8 है, यहां पर 8 है, मैंने यू की वैल्यू भी निकाली थी, वो यू की वैल्यू मैंने लिखी हुई थी। माइनस के 0.5 लिख दीजिए या माइनस के 1/2 कह दीजिए, एक ही बात होती है। फिर यू की वैल्यू यहां रख दी हमने, यहाँ डेढ़ स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह 8 लिख दिया, वाई 8 क्योंकि लास्ट आर्गुमेंट है, सारी वैल्यू यहाँ पर वाई 8 लिख दिया, ये लिख दिया। बस अब इनकी वैल्यू भरनी, तो मैं वाई 8 की वैल्यू ये रही 512 है, ये रही, ये इसकी वैल्यू यहाँ देख लो, ये रही 169 है, इसकी वैल्यू चेक करिए ये रही 42 है, इसकी वैल्यू चेक करिए ये रही। बस इन दोनों में अंतर यही है कि फॉरवर्ड में ऊपर से यूज होंगे और बैकवर्ड में नीचे से यूज होंगे, ठीक है। बस अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, वो थोड़ा बहुत मोबाइल का यूज कर लेना, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, आंसर आ गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो मैंने तुम्हें तरीका बता रखा, वाई एट और इसकी मल्टीप्लाई कर, मतलब वाई एट तो है ही है, तो वाई एट की और यहाँ पे लिखना है यू, ध्यान देना इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें जो है पहले टर्म में बनाएगा तो चाहे तो यू सी जीरो लिख लो, लेकिन यहाँ पे सी में काम नहीं करने के क्योंकि यहाँ प्लस होने लगा है, और यू सी वन जो होता है वो होता है यू, यू सी टू तो जो होता है वो यू यू माइनस वन होता है, तो इन्हें तुम सी में ले सकते, ठीक है। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा बस ये यू, तो अगला आएगा यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टर टू, फिर आएगा यू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टर थ्री, इन्हें सी में नहीं करोगे तुम। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करनी है केवल वन की, वन की, या कह दीजिए यू सी जीरो कर देते, इसमें तो वन की करनी है, इस वाले में क्या करनी है, इस वाले में मल्टीप्लाई यू की करनी है, इसमें करनी है वन की, इसमें करनी है यू की, इसमें करनी है यू यू प्लस वन की अपॉन फैक्टर टू की, और इसमें करनी है इस वाले में, इसमें मल्टीप्लाई करनी है यू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अरे मैं यहां से देख रहा हूँ, यहां से यहां से यहां से ये मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे शॉर्ट में टेबल बनाना और ऐसे कर लेना बस, ठीक है। लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव में, मैं तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो वैसे क्वेश्चन जो तुम करोगे तो वो तो यही तरीका है जो मैंने यहाँ टेबल बना के दिखाई है। और देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये, देखिए उसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड डिग्री का पॉलीनोमियल बनाना जो इन पॉइंटों से पास होता हो, 1 2 3 4, इसमें एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू पीछे दी गई है। तो ऐसा पॉलीनोमियल बनाना, इसका मतलब फंक्शन ढूंढनी है यहाँ पर, एक्स ढूंढना। तो एक्स की वैल्यू कुछ दी तो रहे नहीं, बस पॉलीनोमियल बना दो तो कोई बात नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू देखो पहले ये सजा लो यहाँ पर 0 1, देखो ये शुरू वाली, ये शुरू वाली, ये शुरू वाली, ये शुरू वाली एक्स की वैल्यू है, ये लिख दी, इनके पीछे वाई की वैल्यू ये लिख दी। और बैकवर्ड से करा मैंने वाला, लेकिन लिखा नहीं है इसमें फॉरवर्ड से करो बैकवर्ड से करो, तो फॉरवर्ड से कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बैकवर्ड समझा रहा हूँ इसलिए बैकवर्ड कर रहा हूँ। इसमें से ये गया 2, इसमें से ये गया 4, इसमें से ये गया 6, बस ऐसे सेकंड वाले में इसमें से ये गया 2, इसमें से ये गया 2, लास्ट वाले में इसमें से ये गया 0। ये यूज करते हैं बस, ये वाला लास्ट आर्गूमेंट पर होगा, लास्ट आर्गूमेंट 3 है यहाँ, तो वाई 3 की वैल्यू, ये डेल वाई 3 की वैल्यू, ये डेल स्क्वायर वाई 3 की वैल्यू, ये डेल क्यूब वाई 3, बस ये यूज होनी। यहाँ देखो ए की वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट 0 है, लास्ट आर्गुमेंट 3 है, एच कितना है, एच 1 है, देख लो चेक कर लो, यू निकाल लो, तो यू यहाँ पर एक्स की जगह एक्स ही रहेगा क्योंकि हमें फंक्शन ढूंढनी है, ठीक है। तो कोई ये तो कहा नहीं कि हाँ भाई 7 पर इतनी वैल्यू निकाल लो या 8 पर निकाल लो, कुछ ऐसा तो कहा नहीं, तो कोई बात नहीं एक्स ही रखो बस। तो यू की वैल्यू एक्स माइनस 3 है तुम्हारी, फॉर्मूला ये होता है, भर दो इसमें ये सब वैल्यू भर दो, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ये वाला लास्ट आर्गुमेंट, लास्ट आर्गुमेंट कितना है 3, यहाँ 3 आ जाएगा। U की वैल्यू तुम्हारी x माइनस 3 है, h की वैल्यू 1 है, तो कट फिट का वो x ही बचेगा क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, y x की वैल्यू निकाल रहे हैं, अपने आप ही x आ जाएगा वो, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3, ये रही इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, जहां यू है वहां x माइनस 3 भर दिया है ना, x माइनस 3। ऊपर देखो y 3 की वैल्यू ये रही, y 3 की वैल्यू कितनी है 13, ये लिख दिया। डेल y 3 की वैल्यू 6 है, ये रही 6, ये 6 लिख दिया। डेल स्क्वायर वाई 3 की वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई 3 की वैल्यू 2 है, ये लिख दिया। इसको मैंने लिखा नहीं है, क्या लिखता मैं इसका, तो 0 हो जाएगा।
मैंने लिखा नहीं है, कैलकुलेट कर लिया, ये बन गया। अगर तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो तो तुम रख के देख लो, एक्स की जगह जीरो 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 वाई की वैल्यू बना जाएगी अपने आप ही। वन रख के देख लो, वन वन टू और थ्री ये आ गए, टू रख के देख लो, तो ये इस तरह से पॉलीनोमियल बन गया। सही है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तुम इसी क्वेश्चन को मान लो तुम फॉरवर्ड से करना चाहते हो, लो 2 मिनट में फॉरवर्ड से कर देता हूँ। फॉरवर्ड में मुझे पता है ऊपर वाली वैल्यू यूज होनी है वाली, ये होती है हमारी वाई जीरो की वैल्यू, पहला आर्गूमेंट जीरो है ना, वाई जीरो की, ये होगी फॉरवर्ड में डेल्टा वाई जीरो की, ये होगी डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो की, ये होगी हमारी डेल्टा क्यूब वाई जीरो की वैल्यू। ये रही फॉरवर्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, वाई ए प्लस यू एच होता है बराबर क्या, वाई आएगा प्लस के, यू सी वन लिख दो या यू लिख दो, और यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई ए, फिर आएगा यू यू माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू, और यहाँ आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई ए। ये रहा, क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, मैंने छोड़ दिया उसे। अब इसमें ए का मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट है, लिख देता हूँ मैं, ए का मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट है, ठीक है, एच का मतलब इंटरवल, तो यू निकालना, तो यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, तो एक्स ही रखना। ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट जीरो है, एच की वैल्यू कितनी है वन है, तो यू की जगह एक्स है, यू की जगह एक्स हुआ, भर दो इसमें, तो यहाँ तो वाई एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पर ए का मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट, यू की जगह एक्स, डेल्टा वाई जीरो प्लस के एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और यहाँ डेल्टा स्क्वायर, यहाँ वाई जीरो, इनकी वैल्यू खोल दो। वाई जीरो की वैल्यू वन है, एक्स डेल्टा वाई जीरो कितना है टू है, तो टू लिख दो प्लस के एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और डेल स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू कितनी है टू है, ये रही टू लिख दी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो वन प्लस टू एक्स आ गया, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स हो गया, कितना बैठ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का वन, देखो ये वाला आंसर और ये आंसर सेम ही तो आ गया, एक में फॉरवर्ड लगा दिया एक में बैकवर्ड लगा दिया, वही आंसर आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे आंसर देगा वो पॉलिनोमियल, तुम क्यों करोगे इस चक्कर में, तुम तो वो पॉइंट उसमें भर के देख लोगे बस, बात खत्म। जिन पॉइंट जोन सा भी पॉलिनोमियल इन पॉइंटों को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव में, तो बाकी जो बड़े क्वेश्चन करेंगे वो तो करेंगे ही। ध्यान रखना ये मैंने करा है फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड से, और जो वो वाला वाला पहला क्वेश्चन करा है वो करा बैकवर्ड से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है ये, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है इसलिए थोड़े से मुश्किल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो ये रहा, ये कह रहा कि बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डिफरेंस टेबल, टेबल बना करना, अ सेवंथ टर्म निकालना एज वेल एज जनरल टर्म, और जनरल टर्म भी बताना इस सिक्वेंस की। वो कह रहा है कि देखो पहले मैंने जीरो लिखा, फिर जीरो लिखा, फिर टू लिखा, फिर सिक्स लिखा, फिर ट्वेल्व लिखा, फिर ट्वेंटी लिखा, तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिर एक मिनट में जूम कर दूं, कभी ना दिखाई दे रहा हो मैं वैसे ही करने लग रहा हूँ, एक बार जूम तो कर देता है, देखो पढ़ो ये रहा, ये रहा, बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डिफरेंस टेबल, एक टेबल बनानी है, अ सेवन टर्म निकालना है इस नीचे वाली सिक्वेंस का। तो इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, पहला टर्म जीरो, दूसरा टर्म जीरो, तीसरा टर्म टू, फिर चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवा वो करा, अगला टर्म बताओ क्या आएगा। अगर तुम्हें इस चैप्टर की जानकारी नहीं है तो अगला टर्म तुम बताने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, एकदम नहीं बता पाओगे कि क्या आएगा। लेकिन इस मेथड देखो क्या करेंगे हम कहेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसे मान लो वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये, तो वन पर मान लो जीरो, पहले टर्म जीरो, दूसरी टर्म जीरो, तीसरी टर्म टू, फोर्थ टर्म सिक्स, फाइव टर्म ट्वेल्व, सिक्स टर्म ट्वेल्व, ऐसा कह लिया मैंने, एक्स अपने पास से बना लिया, और ये हमें सीक्वेंस बनानी, ये मैंने वाई मान लिया, और टेबल बना ली, टेबल मैंने खड़ी होकर नहीं बनाई, वैसे बनाई लिटा के, इसमें से ये जाएगा जीरो, इसमें से ये जाएगा, याद है, इसमें से ये जाएगा टू, इसमें से ये जाएगा फोर, इसमें से ये सिक्स, इसमें से ये एट, ये रहा, फिर इसमें से ये घटाओ तो टू आएगा, इसमें से ये टू आएगा, इसमें से ये टू आएगा, इसमें से ये टू आएगा, इसमें टू में टू गया जीरो, इसमें से ये जीरो, इसमें से ये जीरो। अब उसने कुछ कहा तो है नहीं फॉरवर्ड से करना बैकवर्ड से, तुम फॉरवर्ड से कर दो ना, ठीक है, तो फॉरवर्ड वाले में ये यूज हो मैं और बैकवर्ड वाले में इधर वाले यूज हो मैं, बस ये ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। बैकवर्ड वाले में से करोगे यदि तो पीछे वाले यूज होंगे ये वाले, ये वाले, लेकिन हम फॉरवर्ड से कर रहे हैं तो बताओ मैंने क्या बताया था, ये वाली वैल्यू जो होती है वाई के सामने, वाई के सामने ये वाई की वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट आर्गूमेंट पर, फर्स्ट आर्गूमेंट कौन है वन, अरे वन पे तो वाई की वैल्यू जीरो है, फिर ये डेल वाई जीरो की, डेल वाई वन की वैल्यू है, ये डेल स्क्वायर वाई वन की वैल्यू है, ये डेल क्यूब वाई वन की वैल्यू है, बस फॉर्मूला लगा दो। मैंने फिलहाल तो यहाँ पर फॉरवर्ड से कर दिया है, ये रहा फॉरवर्ड, मैंने लिख भी दिया यहाँ, देखो उसने कहा सेवंथ टर्म निकालना, तो एक्स की वैल्यू तो सेवन होगी,
एक फर्स्ट आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट कितना है वन है ये रहा, फिर एच कितना है वन है, इंटरवल चेक करो ना, वन वन तो लिया है। फिर यहाँ पे देखो यू कितना बैठेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स की वैल्यू तो सेवन थी, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट आर्गुमेंट वन है, और इसको सोल्व कर लिया सिक्स आ गया, बस फॉर्मूला भर दिया। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वाई ए प्लस यू एच, वाई ए यू, फिर यू सी, यू सी मतलब यहाँ पे आता है यू सी टू आता है, यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टर टू, और यहाँ आ गया डेल स्क्वायर वाई ए, बस ए की का मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट, तो वाई वन सिक्स वाई वन, और यहाँ पे आ गया डेल स्क्वायर वाई वन। यू की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, सिक्स थी, तो यू की जगह सिक्स लिख दिया, यहाँ पे भी सिक्स सिक्स माइनस वन। वाई वन की वैल्यू ऊपर देखो जीरो थी, डेल वाई वन की वैल्यू वो जीरो थी, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से ये आ गई, ये भी ये आ गई टू, टू थी ना टू, इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो तो जीरो हो गया, सोल्व कर लो थर्टी आ गया। लेकिन उसने कहा था जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब है कि ऐसा टर्म बताइए इस सीक्वेंस का जिसमें हम वो सब भरें, वन रखें तो जीरो आ जाए, टू रखने पर जीरो आ जाए, थ्री रखने पर जाकर ना एन वा टर्म निकालो, तो ऐसे कह रहा वो जनरल टर्म बताओ इसका, सीधी सी बात, वो पॉलीनोमियल पूछ रहा या फंक्शन पूछ रहा, तो मैंने कुछ नहीं करा, इसी फॉर्म लिखा फॉरवर्ड वाले को, बस यू की जगह क्या फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, तो एक्स की जगह एक्स ही रखा मैंने, और ए का मतलब क्या था फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट कितना था वन था, एच हमारा क्या था वन, तो यू की जगह एक्स माइनस वन लेके चलना, मतलब पॉलिनोमियल बनाना है एक तरह से, ये मान लो फंक्शन ढूंढनी, तो मैंने इसी फॉर्मूला भर दिया था, तो फंक्शन देखो ये आ गई ये आ गई, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम इसमें रख के देख लो। देखो उसने कहा था, उसने कहा था वन रखने पर क्या आना चाहिए, टेबल देखो ऊपर, एक मिनट के लिए टेबल देखो, ए टेबल, वन रखने पर जीरो आना चाहिए, वन रखने पर जीरो रखिए वन, यहाँ ना यहाँ वन रखोगे तो जीरो हो जाएगा, टू रखने पर जीरो आना चाहिए, टू रख के देख लो, टू रखने पर जीरो हो जाएगा, थ्री रखने पर टू आना चाहिए, थ्री रख के देखो, थ्री में से वन गया टू, और यहाँ थ्री में से टू गया वन, तो थ्री तो आएगा, तो ये बन गई जनरल टर्म। तो इस सिक्वेंस की जनरल टर्म ये है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, बस ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले लगाना बहुत आसान होता है, तो चैप्टर बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इन क्वेश्चनों को करके देखिए। अभी हम ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों, तो जिन बच्चों जो बच्चे बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर लीजिए, जिनको प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, तो मैं उसे बता दूंगा, या मैं पीडीएफ से या जैसे भी होगा, मैं जैसे पॉसिबल होगा मैं वैसा करके दिखा दूंगा उसको जो है, ठीक है। अब तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का ही सेट लेंगे या कुछ और सोचेंगे, बता दूंगा मैं अपने आप जो है अगली वीडियो में क्या करना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।